Hey guys, मैं देसी रेट्रो गेमर हूँ और आज मैं गोल्डन एक्सप्री खेलूँगा। बचपन में ये गेम जो थी मैंने कभी नहीं देखी थी, क्योंकि ज़्यादातर जो आर्केड शॉप्स होती थी वहाँ पे गोल्डन एक्स वन हुआ करती थी, और मेरे पास सेगा भी नहीं होती थी। मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर सकते थे सेगा। मेरे पास निंटेंडो थी, जिसको NES कहते हैं या फेमिकॉन कहते हैं, हम गेम्स खेला करते थे। लेकिन सेगा मेरे पास कभी नहीं थी, तो आज मैं गोल्डन एक्स भी खेलूँगा। एकदम एक ऐसी गेम है। मुझे ये वाला कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ा सा मस्कुलर है और पावरफुल सा लगता है। स्टोरी गेम की ये है कि गोल्डन एग्स हमें लेना है किसी जादूगर मैजिशियन से, एंड जो भी है कोई इवल इवल स्पिरिट है, गोस्ट है, जो भी है उसे लेना है। कैरेक्टर पंच करता है, रन भी करता है, रन करके भी मारता है, और जंप करके भी मारता है ऐसे करके, और मैजिक पोशन भी है जिसको यूज़ करते हैं, जो कि फिलअप हो जाते हैं कॉर्नर में यूज़ करके, आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये लोग मैजिक पोशन देते हैं जिससे जादू होता है। राजा की रिश्ता क्या है, ओए ओए यार ना भी ना। चलो ऐसे ले लिया। और ये डायनासोर से, ये मोटर से जो आता है, इसका नाम मैंने हमटी डमटी रखा हुआ है, क्योंकि ये मोटा सा होता है और अपनी डमी से पेट से मारता है। डायनासोर पर मैं नहीं बैठना चाहता, क्योंकि मुझे ये डायनासोर अच्छा नहीं लगता। आगे कुछ आंटीज भी आती हैं, ये आंटी आएंगी मेरे ख्याल है, उसके बाद आएंगी। मेरा करेक्टर जो है थोड़ा सा स्लगिश है, स्लो है, लेकिन जब ये मारता है तो काफ़ी ज़्यादा मारता है। ये कि जल्दी से जो भी एनिमी है, दुश्मन है, वो जल्दी से मर जाता है। और अच्छा, नेक्स्ट स्टेज आ गई है और इसमें रूट्स भी बहुत से हैं जादूगर के पास जाने के लिए। ये कह सकते हैं ये पुराने ज़माने की कार आएगी अभी। डबल गेम खेली जाए तो बहुत मज़ेदार होती है, लेकिन शक में तो कोई है नहीं जिसके साथ मैं खेल सकूँ। और भी बस एक ही स्टेज में खेलूँगा, और ये ज़रूर रेकमेंड करूँगा ये गेम अगर कोई रेट्रो गेमर खेलना चाहे तो। यहाँ पे फर्स्ट बॉस में आना है, आगे जाके आएगा। फिर हम्प्टी डम्प्टी आ गया है, ओ यार छोड़ दे मुझे। थोड़ी सी दो बंदे के साथ खेली जाए तो थोड़ी सी आसान हो जाती है, लेकिन एक बंदा थोड़ी सी उसको मार भी पड़ती है ज़्यादा। डमटी फिर आ गया है, बाहर से मारना चाहता है मुझे। और ये पावर भी आएगी, ये पावर देगा, ग्रीन वाला पावर देता है और ब्लू वाला मैजिक देता है ज़्यादा। गोल वाला थोड़ा सा पीछे भी इनके जाना पड़ता है। आगे यार चला ही नहीं जाए, चला ही गया है। मेरा कैरेक्टर इतना मोटा है कि वो थोड़ा सा सगिश, जैसे मैंने कहा कि एक एक प्रिंस है जिसको जादू से ये बना दिया गया है, जिसने बनाया है एक जादू जादूगर है या फिर ईवल स्पिरिट है, जिसने प्रिंस को बर्ड बना दिया है।
स्टोरी बहुत अच्छी है, इसमें स्टोरी भी गेम में थोड़ी सी आपको मदद करती है अगर आप खेलो तो। और जैसे मैंने कहा इसमें डिफरेंट रूट्स भी हैं, गेम प्ले ज़रा अच्छा भी हो जाता है। ये यहाँ पे मैं रूट सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर फर्स्ट वाला रूट मैंने लिया है और होपफुली मैं इनको मार सकूँ स्लगिश करेक्टर से अपने। ये ले लूँ तो रोकना कि थोड़ा सा ये रुक जाए कहीं पे। फिर चलो जो मैजिक मैंने इससे ले रही है मैजिक क्वेश्चन, फर्स्ट टोर्च क्लियर हो गई है, सेकंड टोर्च प्ले करते हैं। मैप ऑफ रील्स एंड में यहाँ पे कहीं पे मैं जा रहा हूँ और जगह का नाम बताएंगे अभी। जगह का नाम स्टेज जो है एंशंट माउंट है, पुरानी ज़माने की कोई आप कह सकते हैं आर्किटेक्चर पुराने ज़माने का। यहाँ से ये हम्प्टी डम्प्टी अपने क्लोज भी चेंज कर लेते हैं, कुछ जगह पे उन्होंने वाइट कलर के शूज पहने होते हैं जो बिल्कुल गर्ल्स की तरह लगते हैं। और हमारे दोस्तों को जो है ये मारे होते हैं। और या मेरे करेक्टर के नीचे आपने रेड सा देखा होगा, जब ये रेड फिल हो जाते हैं तो उसे बोनस आता है। ठीक है, रेड से ग्रोथ बने हुए हैं, सॉरी वाइट से ग्रोथ बने हुए हैं, बिल्कुल गर्ल्स की तरह लगता है। आगे आगे स्केलेटन्स भी आएंगे। बहुत मज़ेदार गेम है, जो प्लेयर खेली जाए तो बहुत मज़ा आता है। काफ़ी अपने दोस्तों के साथ खेली है। और ये भी है कि आप इनको नीचे भी फेंक सकते हैं, अगर ये इसको नीचे फेंका तो जल्दी डेड हो गया। मैंने इसको नीचे फेंका, इस स्टेज को बस क्लियर करता हूँ, फिर नेक्स्ट गेम की बात करनी है, खेल के दिखाने भी हैं कितने अच्छे रेट्रो डेज हुआ करते थे। मेरे पास जैसे मैंने कहा सेगा नहीं थी, मैं सेगा की लाइब्रेरीज बहुत एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत सी सेगा की गेम्स हैं, मैं आपको एक और वीडियो अपलोड करूँगा उसमें दिखाऊँगा मुझे क्या कहना है। पावर काफ़ी चली गई है, यहाँ पर पावर भी आएगी। ये बस रुकते हैं, नजदीक में लगता है मेरा फुल हो गया। आगे जाके जो यहाँ पे बॉस आएगा उसको मारना आसान हो जाएगा। बॉस आने वाला है मेरा बंदा मरे ना, वरना मैजिक किया है मैंने यहाँ पे यूज करके दिखाना है आपको। डेड हो गया, ठीक है, मैजिक को करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बोल देते हैं आप जाके बॉस ने आना है इनको, इन ढांचों को डेड करके। ये ढांचे ब्लॉक भी बहुत करते हैं, मुश्किल भी हो जाती है। वो देखिए जैसे मैं गिरता हूँ फिर वापस जाता हूँ, फिर फाइनल बॉस आने लगा है। मैं देख यूज करना चाह रहा हूँ, ये फाइनल बॉस है और ये इसके फ्रेंड्स आ गए, सारे आ गए हैं। मैं ये मैजिक यूज कर रहा हूँ, फिर ये सारे रेड हो जाएंगे। सारे रेड हो गए, मैं देसी रेट्रो गेमर हूँ। नेक्स्ट टाइम भी कोई अच्छी सी गेम प्ले करूँगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पर और थम्स अप करें।